फोटोज। आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कुछ बचपन के फोटोज। कुछ फोटो कुछ ज्यादा खराब है तो वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। वो डिस्क्लोज नहीं हो सकते। अभी हम छाट रहे हैं कौन कौन से दिखाए जा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद दिखाएंगे। गाइस, हमें अभी खबर मिली है कि दिल्ली में मेरे बालों की तरह गर्मी भी बहुत बढ़ चुकी है। यहाँ पे भी न्यूयॉर्क में बहुत गर्मी है। नेतान्याहू, इसका कोई सोल्यूशन है तेरे पास? व्हाट? बेटा, ये फालतू की कैटेगरी नहीं दे। पहला इतनी ओवर एक्टिंग करनी पड़ रही है। इस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ काटना पड़ेगा। आपके बाल? फिर से गंदा जोक नेतान्याहू। हमें कुछ बहुत बड़ा काटना पड़ेगा नेतान्याहू, इस भारी गर्मी से छुटकारा पाने के लिए। हेनरी फ्रॉम बागरगढ़। अब ये जाएंगे हमारे पेंट में। गुड बाय हेनरी। टेस्ट इट बारी। लेट्स सी इफ दिस इज गुड। आई थिंक इट्स गुड। इट्स गुड? हां। इस पेंट की बन जाती है निक्कर। जाड़ों में पेंट और गर्मियों में निक्कर। ओहो, पैसे बचाने का सिस्टम है। पैसे बचाना का तो कौन है, नदी महंगी है। ये अभी पहन के जाएंगे निक्कर। तो गाइस, पिछले व्लॉग में हमने प्रॉमिस किया था कि आपको अपनी कॉलोनी का टूर कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कैमरामैन नेहा शौकीन के साथ और हमारे साथ हैं नेतान्याहू। कहाँ खड़े हो आप, बताओ? This is our bike stand and this is my bike and those are other people's bikes. इन जंगलों में भाई पीछे जाके एक टेनिस कोर्ट जहाँ पे अभी कुछ लोग टेनिस खेल रहे हैं। नेहा दिखा पीछे। Okay. हाँ, इन जंगलों में से जाके आता है हमारा टेनिस कोर्ट और यहाँ पे हम ज्यादा हिंदी नहीं बोल सकते क्योंकि आई थिंक इंडियंस ही खेल रहे हैं टेनिस। अंग्रेजों के सामने तो भैया हमने थोड़ी फ्रीडम मिल जाए। अगर हिंदी में कुछ भी बड़बड़ाते रहो स्वाद सा बैठ जाए। पर देश के सामने फंस जाए भाई। नो काम नहीं चलेगा। इस जगह की यही खासियत है भाई, विंटर में ये 3-3, 4-4 फुट बर्फ से ढका रहता है और समर्स में एकदम पूरा ग्रीन हो जाता है। ये देखो भाई, कागड़ी पहलवान, इसको पहचानो ये कौन है? एब्स है, कागड़ी पहलवान की तो एब्स निकल रहा है इसमें। तेल लगा रहे हो? कति साफ एब्स है, तेल लगा रहे हो, पसीना है। गैलरी में मेरे ख्याल से 200-250 टेंट मार के फोटो खिंचवाया था। गैलरी में मैं चुनू नहीं मारने लग रहा है। तो एब्स, अरे तो एब्स तो देखने ही। ये एक फोटो भाई, पीछे से देख लो, मतलब इसको आगे से मैं दिखा नहीं सकता लेकिन इसका एक दूसरा वर्जन दिखा सकता हूँ। देख लो, जो ये वाला फोटो मैं दिखा नहीं रहा, इसमें मैंने एक कोट भी नहीं पहन रखा। ये बदमाशी के टाइम की फोटोज हैं, गले में चैन और नीचे कोई ब्रुसेट नहीं। पाड़ देना ही ना ये समुद्र। पाड़ देना ही ना। ये देखिए, ये है टिंकू स्मगलर। समुद्र के रास्ते से सोना लाते हुए। सोने की चैन पहनकर मूछे तान कर कैसे खड़े हैं पलंग पर। ठीक है, वरदान विल बिकम लाइक दिस सेम टू सेम। कैसे ढूंगे मटका के खड़े। लचक देख कमर में, कमरिया। ये है हमारी कॉलोनी के सबसे मेन रेजिडेंट्स गीज। नितिन ने बताया था ना, ये बत्तख नहीं है भाई। और ये वही बेंच है जिसपे हमने विंटर्स में बर्फ का तूफान व्लॉग शूट किया था, अगर आप लोग को याद हो तो। बहुत सुंदर हो जाता है भाई ये शाम को, सामने वहाँ सनसेट दिखता है, एकदम लाल आसमान हो जाता है। और यहाँ से दिखती है नेतान्याहू और ये है दादी माँ नेतान्याहू के रूम से हाय करती हुई। महाराजस्थान से ग्रेट म्यूजिशियन टिंकू सिंह खड़े हैं गिटार लेकर आप लोगों के सामने। ये गिटार भाई नेहा ने गिफ्ट किया था, कौन से साल में? आई थिंक 2004 में ये गिफ्ट किया था, कॉलेज के दूसरे ईयर में। और आज तक ये नीचे बेड में धरा धरा सिड़ गया है,
सारे तारा में जंग लग चुके हैं लेकिन ये गिटार आज तक बजा नहीं। माता ने बेरा था, यो किसने दिया है? ना मैं तो कड़ बताई थी। फिर क्या बोले कि मैं खुद लिया? ये बात बताई मैं तो कोली डाला है ना, मेरे तो वो दिया है प्राइज। ओ माय गॉड, ये तो प्राइज प्राइज क्यों देंगे, गिफ्ट दिया है प्राइज। कॉलेज वाले तुम्हें क्यों गिफ्ट देंगे? सारी बता देते रहते हैं। ये है दादा के बम। माँ ये फोटो मेरी पैंट की है। अरे ये तेरे मामा के शादी का फोटो है भाई। मामा की शादी पेंट पेंट अलाउड नहीं है। पेंट पेंट अलाउड नहीं है। वर्दी एक दूसरी पेंट कर देते ले आऊंगा। एक्स्ट्रा पेंट नहीं है, एक्स्ट्रा लेकर ना गए। डायपर नहीं पड़ा रखे थे? डायपर कड़ा था उस जमाने में। फिर क्या पड़ा करते? कुछ बिना नंगा रहा पूरे व्याह में। फिर नंगा रहा है आधे व्याह में, लंगोट बांध दिया। इसके जन्मदिन पे इसकी सख्त फरमाइश थी मुझे साइकिल चाहिए, इसलिए इसको साइकिल गिफ्ट करी जन्मदिन पे। और बहुत खुश हुआ। और ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट होते थे भाई पहले 90s में, अपने सारे पड़ोसियों ने बुला के सब अपने 11-11 रुपए लेके लिए आया करते हैं ना वहाँ। क्या रुपए ले आया करते? 11-11 ज्यादा कोई ना देता। अपने मोश के बाद सी बनाकर पिया गिर नू दे दे नू के लिए अपनी मम्मी ने दे दी इसने। हाँ नू ले आए थे और खुआया करते नू केक नमकीन बिस्कुट टॉफी धर के ये वही कॉलेज की है जब मेरे बाल बड़े बड़े हुआ करते थे ग्रेजुएशन में। Well, now Dad's gonna get long hair because of coronavirus. अभी और लिए बड़े बड़े दोबारा। नेतन्या भाई जब 2 साल की थी तब से यहाँ रह रही है। 7 साल हो गए हमें इसमें रहते हुए। नेतन्या Do you like this place? Yeah, but there's so many fun. Do you remember your Orlando house? ये पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं यार। इस पेड़ पे कुछ मशरूम सी उग रही है ना, लेकिन ये मतलब किसी ने अलग से बना रखा है क्या? फंगस है ये नहीं यार? फंगस ही तो मशरूम फंगस ही होता, पता नहीं। कुछ फंगस हम खा सकते हैं कुछ नहीं। तू ये खा सकते हैं? ये हम नहीं खा सकते। गोबर खा सकती है तू थोड़ा? तुम्हारी फेवरेट है। ये पूरी कॉलोनी भाई एक्चुअली इस लेक के चारों तरफ बसी हुई है। अलग अलग व्यूज मिलेंगे आपको। यस बेटा Yes, our home is right there. मस्त जगह यार, we love this place. 7 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। चलो, now we are going to see the swimming pool. ये नितन्या का पार्क है भाई, जो कि कोरोना की वजह से अभी बंद पड़ा है। नितन्या छोटी थी जब यहाँ खेलती थी। I wish I could go here again. Do you miss your park, नितन्या? इस फोटो के पीछे की एक कहानी है भाई। ये मेरी दादी है जो बैठी है। तो एक दिन मैंने दादी के साथ प्रैंक किया था कि मैं ये चुनरी ओढ़ गा गया और सलवार पहन रहा। देखा दादी पहचान ना पहचान। और मैंने बोला कि मैं तेरे दादा की बहू हूँ ना दादा की। मैं तेरे पोते की बहू हूँ। अरे दादी मान भी अगे बेटी कौन से काम की है, ये नाम तेरा? अरमान का आशीर्वाद भी दे दिया, पैर भी दबा दिए। अरे अभी दादी कुछ न पहचान पाए। माँ भी बैठी है साइड में, देख माँ भी बैठी है, आराम से हंसन लग रही है। पहचान में नहीं आया। अरे नुबू जे बेटी के गो थरा कुकर बात बनी ब्याह बहुत तगा जिद करया। फिर नहीं बोला मुझे ब्याह में नहीं लेके गया। नानू ना बोले नो नो खुद भी थोड़ी देर बाद खुद के भी पिछाड़ बना आया। खुद थोड़े दिन बहु बन कर रहे मेरे जो ये पीछे कासण दे रहे हैं ना, फिर मेरी माँ पूरी एक्टिंग करी। नू बोली चले बहु मारे कासण दो दे, जो ये पीछे कासण दे रहे हैं, फिर ये सारे कासण दुआए माँ ने मेरे दो रहे। ये एक और टेनिस कोर्ट है भाई, और इसके पीछे है एक स्विमिंग पूल जो कि अभी कोरोना की वजह से बंद पड़ा है। हम रात को यहाँ वो वाली दीवार कूद कूद के आते थे क्योंकि रात को बंद हो जाता है। और उसकी वीडियो तो नहीं है हमारे पास, एक फोटो पड़ा है शायद, वो आप लोग को दिखा देते। और ये है हमारी बैकयार्ड वाली लेक। जनरली आप इसको हमारी बालकनी से देखते हैं, आज आपको बिल्कुल पास से दिखाते हैं। इस लेक में भाई कुछ कछुए भी हैं छोटे छोटे, ये आई थिंक उनके अंडे हैं या पता नहीं इन गीज के हैं।
गीज के वैसे इतने बड़े होते तो नहीं। नेता ना किसके अंडे हैं ये? यू डोंट नो? छोटे छोटे कछुए निकलते हैं यहाँ से कई बार, अभी निकल नहीं रहे, नहीं तो मजा आ जाता। तो गाइज ये था हमारा कॉलोनी का टूर, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और अभी बारिश आने वाली है तो जल्दी से भाग लो, लेट्स गो होम, बाय बाय।